हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं हूं स्मिता। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 प्लेसेस ऑफ हम्पी जो आपको जरूर विजिट करने चाहिए, और इसी के साथ हम आपको गाइड भी करेंगे कि ये सारे प्लेसेस आप दो दिन में कैसे कवर कर सकते हो। नंबर 1, अंजनेया हिल। तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ साइड में अंजनेया हिल है और इसे हनुमान जी का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। नंबर 2, श्री विरूपक्ष टेम्पल। यह हम्पी का एकमेव मंदिर है जहाँ पे भगवान की मूर्ति अभी भी स्थापित है और उसकी सुबह शाम पूजा की जाती है। नंबर 3, ससिवेकालु गणेश। ऐसा कहा जाता है कि देवता का पेट सरसों के आकार जैसा होता है और इसीलिए कन्नड़ में ससिवेकालु नाम का अर्थ सरसों के बीज है। नंबर 4, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। इसे उग्रा नरसिम्हा भी कहा जाता है और हम्पी में यह सबसे बड़ी प्रतिमा है। और इसी के बाजू में माना जाता है कि क्वींस पाथ विजयनगर के शाही परिवार की महिलाओं के लिए अच्युत राय द्वारा बनाया गया था। नंबर 6, लोटस महल। इसे कमल महल भी कहा जाता है। इस महल की शैली और डिजाइन इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण है। उसी के आगे आपको एलिफेंट स्टेबल दिखेगा। विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों को आश्रय देने के लिए ये बनाया गया था। नंबर 7, हजारा रामा टेम्पल। इस मंदिर की दीवारों पे भगवान राम की हजार प्रतिमाओं का उपयोग करके रामायण की कथा बताई है। नंबर 8, किंग्स ऑडियंस हॉल। ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां राजा ने अपने प्रशासन और जनता को संबोधित किया था। नंबर 9, स्टेप टैंक। यहाँ पे काफी सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोकल गाइड हायर करें। तो इलेक्ट्रिशियन के तो निकला सो, ये 1983-84 में निकला था, अभी तक कवर्ड हो गया था पूरा। ये पानी लेके पूजा करते थे, सामने दिख रहा था तो लक्ष्मण दे रहे थे। उस टाइम पे मंदिर हफ्ता जपने के लिए लोग नहीं था, मंदिर नहीं जपने के लिए लोग आए, ऐसा होगा उल्टा। ये स्टेप बाई स्टेप बना दिए थे, तो कार्तिक मास में दिया रखते थे मैडम। आप नीचे जाने के लिए मना कर दिए, पूरा भी रेटिंग से ना मिट जाता, बल्कि अलाउड नहीं है। आप ये कारण से कहाँ भी फोटो निकाले तो आ जाता। ये कामलापुर तरफ से आने का पाइपलाइन, ऐसा आके रानी का अंतापुर जाता, लोटस पार्क जाने के लिए पाइपलाइन अभी भी है, पानी नहीं आता। 500 साल पीछे पानी आता था। नंबर 10, विजय विट्ठल टेम्पल। यहाँ पर कई सारी आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे कि स्टोन चैरियट, इसे आपने 50 रुपए के नोट पे भी देखा होगा, और म्यूजिकल पिलर्स जिसके हर एक पिलर से अलग अलग वाद्य की धुन सुनाई देती है। We would like to thanks Amol, Rohit, Dhiren and Sagar for recording all those amazing videos. इस itinerary का use करके आप हम्पी दो दिन में cover कर सकते हो। चाहिए तो इसका screenshot ले लेना। और हम्पी का tourist map का PDF link description में दिया है। अगर ये video आपको पसंद आई होगी तो इस video को like कर देना। और इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। सी या।